अच्छा ये कनाडा विजिट वीज़ा के हवाले से क्या चल रहा है आज सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि जी रिफ्यूज़ल का सिस्टम खत्म कर दिया है वन सेवन नाइन भी क्लाज हटा दिया है ना ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए ना आपको स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाने हैं तो क्या ऐसा कुछ वाकई में है मैं मैं आप इसके ऊपर जो है ना रोशन डाले क्योंकि आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है बींग एन ऑथराइज एजेंट देखिए मैं आपको क्लियरली एक चीज़ बताऊँ कि सब इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले कुछ चीज़ों पर वाजे करना और उसकी तरबियत करना उसको एजुकेट करना वो बड़ा जरूरी है और उसके उसी पर मैं ज़रा बेस भी करता हूँ आप अक्सर इन बातों को सुनते भी रहते हैं फ्रॉड्स के बारे में भी चीज़ों के बारे में बेसिकली तो होता ही है स्कैम ही सॉफ्ट स्कैम कह लें या वो कह लें कई जगह पर आप देखा ज़्यादातर उकता भी हमारे पास अनफॉर्चुनेटली है कैपिटल सिटीज से ऐसे है तो आपने देखा होगा लेकिन कोई हमें कोई परेशानी तो नहीं है जहाँ हमारा कोई मुकाबला है मुकाबले में आ ही नहीं सकते मुकाबला तो दो जो है ना वो बराबर के लोगों के अंदर होता है ऐसे ही तो जो भी हजरात हैं सोशल मीडिया पे खास न होते हैं सोशल मीडिया तो वैसे ही एक झूठ का बलंदा होता है ऐसे ही सबको लोगों को पता भी है उसके बावजूद भी हम इतना आंखें बंद करके एक बुर्ग के तरह बैठे बैठ जाते हैं और हम जो है ना वो हर चीज को और बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी आके बात कर रहे होते सर वो तो बड़ा चल रहा है बड़ा है मैंने तो सुना है कि वो हो रहा है उसमें दो तीन बातें मैं क्लियर कर देता हूँ जैसे जैसे कि एक सवाल आता है कि ना ये ये चल रहा है क्या चल रहा है कि कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए कोई आपको जो है ना, ना एम्प्लायमेंट नहीं चाहिए कोई प्रूफ ऑफ फंड नहीं चाहिए अप्लाई कर दें तो सबसे बड़ा अहमकाना जो है जिसको कहना चाहिए कि सवाल और खुद जिसको समझना भी चाहिए कि आप किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा को एक फ्रेश पासपोर्ट होल्डर रहे पैसे कोई नहीं आपके पास स्ट्रॉन्ग टाइज आप दिखा नहीं सकते और आप कह रहे हैं कि मेरा वीजा वी लगा दो और मैं जा रहा हूँ भाई कल तैयारी करके ये ये पॉसिबल ही नहीं है तो वन सेवन नाइन बी क्लॉस कल मेरे पास आया था वीज़ा वीजा, वीजा, वीजा right. oh तो तो पिछले साल से जनवरी सेवन नाइन बी क्लास है, है।, है पाकिस्तानी आपके लिए हो रहा है, सब, आ, हो है तो आप तो मैंने देखा भी किया उसको बेचारे कुछ लोग जब इच होते हैं तो तब वीडियो बनाना शुरू करते हैं तब कम्प्लेन शुरू कर दे फलाने फलाने लोग हुए हाँ ये जरूरी है कि आप वक्त के साथ लोग जो है अपनी से सीख जाते हैं स्कैम में भी जो बेवकूफ़ी करते हैं तो फिर अकलमंद मंद हो जाते हैं फिर वो अकलमंदी है स्कैम कर रहे थे तो बचे हुए होते हैं कुछ कुछ किसी चीज का सहारा लेते हैं कोई कोई दीन का सहारा लेता है कोई जो है ना हमदर्दी का सहारा लेता है तो इस बुनियाद के ऊपर जो है वो ना उनके पास कोई इंटेलेक्चुअल कोई बैकग्राउंड है ना उनके पास कोई बेहतरीन क्वालिफिकेशन है ऐसे ना उनके पास कोई लैंग्वेज की अच्छी प्रोनासीेशन है तो उसके बावजूद भी लोग क्योंकि उनका टारगेट क्या है और कि मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो मेरे टारगेट नहीं होते हैं फॉर्मल एक वीडियो भी मैंने बनाई थी एक गाड़ी से तो मैंने ये बात को क्लियर भी किया था कि किस तरह से लोग आते और फिर नाराज लोग पच्चीस हजार रुपये की सैलरी मुझे भजा दो तो ये ये जो जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक आपके साथ ये फ्रॉड होते रहेगा और ये खत्म होने वाला नहीं है ना मेरे भी एजुकेट करने से जो है ना लोग समझ समझेगी नहीं सोशल मीडिया इस तरीके की जो है वो बदतमीजी है तो इसलिए हम जो है बार बार इसको उजागर करने की कोशिश करते हैं कि देखिए मेरा तो वो टारगेट भी नहीं है जब मैं मैंने एक बात एक वाकया जो है वो कोड भी किया है कि लोग आते हैं और हम मना भी कर देते हैं हमारा तो वैसे ही पेट कंसल्टेशन का सिलसिला है तो मेरे पास जो है वो जनवल लोग ही आते हैं जो वैल्यू करते हैं वही लोग ही आते हैं तो हमारा तो वैसे भी टारगेट नहीं है लोग लेकिन जब ये बात आती है सोशल मीडिया के ऊपर तो दिल जो है वो बैरल दुखता है कि लोगों को किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर वैसे भी क्योंकि इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा हो गई ऐसे ही है ठीक है ना तो आपकी जब जो है वो सप्लाई तो वैसे भी थी लेकिन आपकी इन्वेंट्री जो है जो इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों के साथ डिमांड बढ़ गई है और आप उसको जो है वो सप्लाई कर रहे करना शुरू कर दिया उनकी उनकी जो नीड है उसके मुताबिक आपने खेलना शुरू कर ऐसे ही हर कंसर्न इस वक्त जो नॉन ऑथोराइज है इसमें ट्रेवल एजेंट आप देखेंगे ऐसे ही इसके अंदर आप सिंगर एक्टर देखेंगे और जिसका भी बेचारे का खुद का लग गया ना वो कहता है यार अब तो मुझे पैसा निकालना है बनाना है और मैं तो जो है वो कर लूंगा क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ वीडियो के अंदर कनेडा पीछे मेरे सामने

वो ये समझ रहे हैं कि बस एक बंदा या तो कनाडा चले गया वो वाला बंदा या कोई इधर से उधर जो है ना वीडियो वीडियो बना रहा है और कोई जो है ना वो अपनी हमदर्दी दिखा रहा है तो सबसे पहले हमने आ, बहुत जगहों पर कहा कि भाई आप ऑथोराइज एजेंट के पास जाए नहीं है के तो, तो आप ऑथराइज एजेंट आर सी आई सी में बहुत सारे हैं कम ज्यादा पैसे दे रहे ले हैं ले, लेकिन वो सिर्फ बातें चूकी ये नहीं कर रहे कि बस हंड्रेड परसेंट मैं करा दूर गारंटीड हो जाएगा तो सौ में से अगर तीन लोगों का वीजा होया था उसको आप ला के दिखा देते हैं और लोग जो है ना उसके बीच भाग रहे होते हैं तो ये एक मिथ है ऐसे इसको खत्म होना चाहिए दूसरी जो अहम बात है की आजकल मिल रहा है एक बात नोट कीजिएगा कीजिए पेंडेमिक के, के बाद ऑब्वियसली हर कंट्री को जरूरत पड़ी ठीक है ना इसमें पाकिस्तान का अमल दखल नहीं उनको जुरुत है उनको टूरिज्म की जरूरत है जरूरत थी और फैमिली टाइज के भी इतना जो है ना रुका रहा तो उन्होंने जब देना शुरू किया तो लोगों ने कहा ये तो बड़ा मौजे हो गई मिलना शुरू हो गया और समर में ऑब्वियसली कनाडा कनाडा विंटर में जो है आपको वीजाज नहीं देता इन मोस्ट ऑफ द केसेस तो फिर आपको जो है वो समर के अंदर वीजा मिलते हैं इसलिए लोगों को उससे पहले से अप्लाई करना भी शुरू हो जाते हैं तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो हाइप ज़्यादा क्रिएट होगी इतना ज्यादा नहीं ऐसे लोगों को मिलते मिलेंगे जो लोग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे आंखें बंद करके वीजा ऑफिसर जो है ना वो अंधी में नहीं आपको अप्लाई कराएगा तो आ, आपके जो है लोगों को कह रहे हैं कि भाई आपका जो है वो हंड्रेड हो जाएगा या बगैर बैंक स्टेटमेंट के हो जाएगा तो ये चीज़ें जो है इससे इजनाब इस करना चाहिए एक तो पहले अपनी ये जब देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट ये मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि जब तक उस कंसल्टेंट की आप खुद से आप उसका ड्यू डिलीजेंस करें कि उसकी बुद्ध की क्वालिफिकेशन उसकी ऑथराइजेशन उसकी रजिस्ट्रेशन कैनेडा की है क्या उसकी अपनी स्टैंडिंग क्या है yes. आप वी लॉगर्स हैं आप जो है ना यूट्यूबर हैं आप इस इंडस्ट्री में आ गए हैं आप ना ऑथराइज जिस जिस आर के साथ भी काम कर रहे हैं अगर फॉर एग्जाम्पल yes. तो आपने उससे ऑथराइजेशन लेने की भी जहमत नहीं की आप है आप लोगों को बांट रहे हैं कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी कॉम इतनी सादा है इतने लोग खासतौर पर अपर, अपर एरियाज के अंदर yes. जो है वो लोग बहुत ज़्यादा शादी का मुजहरा करते हैं जो है ना उनके तो उनको बनाना उनको उनको जो है ना वो, वो, वो किसी शहर में झगड़ना वो बहुत ज्यादा आसान है yes. और उसके अंदर सारी सी बात होती है ओ जी आ जाओ काम जो है जो ना बस कर दूंगा आप छोड़ दो hmm. और फिर आप जो है वो लोगों को चाहे उसके अंदर बैंक स्टेटमेंट लगाने का मामला क्योंकि फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है तो बंदा बेचारा यहाँ कुछ नहीं कर सकता वो कहता है भले से बैंक स्टेटमेंट भी लग जाए मेरी और ये भी लग जाए वो भी रहिए अप्लाई कर दो तो तुक्का फिगेशन होती है तुक्का लग गया तो ठीक है लेकिन सौ में से आपके जो है ना वो अस्सी नब्बे लोग रिफ्यूज होंगे पांच दस लोग अपने जो है ना वो पुलिस से गुजर के पहुंच जाएंगे ऐसे ही तो ये चीजें जो है ना वो हम बार बार कहते भी रहते हैं बट ऑब्वियसली इसको फैलाना भी जरूरी होता है बताना भी जरूरी होता है आज आप जो है ना वो कोई डांस की वीडियो लगा दें आज आप जो है ना वो कोई ऐसी बात करें जिसके अंदर आपको बहुत ही चटकारें हों या आप जो है ना वही बात करें कि आपका बस वीज़ा आ गया ये देखे वीज़ा लग जाएगा बस आप आके बनकर कर दें आप देखेंगे कि लोग कितना खुद खुद से ही जो है उसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे इंटेलेक्चुअल yes, बात को कोई भी सुनना नहीं चाहता समझना नहीं चाहता और कहते ये क्या बात हो रही है दिस एंड दैट तो इसलिए फिर भी कोशिश जारी है और हम लोगों को बताते रहेंगे कि ना ये चीज़ें व्यूज़ लेने की हो सकती हैं ये चीज़ें आपको ट्रैप करने के लिए हो सकती हैं लेकिन इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन की प्रॉपर तैयारी पर भरपूर तरीके से उसको सबमिशन और उसको जो है करना वो इन इन हजरत की जो है वो जिम्मेदारी और इनकी इसके